नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक पैरामेडिकल के कोर्स में। और बच्चों, यहाँ हम एमसीक्यूज की सीरीज को पढ़ रहे थे और उस सीरीज में आज हमारे पास जो टॉपिक है, आज जो बच्चों हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चनों को बच्चों अपन सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको चेक कीजिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो, द अमाउंट ऑफ आयन डिस्चार्ज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बोल रहा है कि विद्युत अपघटन के दौरान जो पदार्थ निक्षेपित होते हैं उसकी मात्रा। तो फैराडे का प्रथम नियम याद करो, W बराबर, कम दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, देखो, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर इट अपॉन 96500। तो देखो 96500, ये तो किस पर डिपेंड कर रहा है, E पर, मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, केमिकल इक्विवेलेंट पर, I मतलब करंट पर, किस पर, विद्युत पर, और समय पर। तो कौन सा आंसर चला गया, A प्रतिरोध, रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया बच्चे A, क्या आंसर हो गया, A आंसर इसका हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो बच्चों, क्या बोल रहा है अगला, HCl का विद्युत अपघटन होने पर, चेक करो विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद मैंने आपको पढ़ाए थे, कोई भी आपको नहीं दे रखा है, इसका मतलब प्लेटिनम है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो क्या करोगे, HCl को तोड़ दो H प्लस Cl माइनस में, पानी को तोड़ दो किस में बच्चों, H प्लस OH माइनस में, चेक करो, तोड़कर एक बना दो एनोड, एक बना दो कैथोड, कैथोड पे हमेशा कौन आएगा, प्लस वाला, और प्लस वाला कौन है, एच प्लस। अगला, एनोड पे माइनस वाला कौन सा आएगा बताओ, क्या बताया था मैंने आपको, आई बार कल फिर ओहो, ठीक है, कल 900, ये बताया था आपको। तो आएगा बच्चों सीएल, तो सीएल क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन देके बनाएगा सीएल टू गैस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और इसी टाइम ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाएगा, एच टू। तो बताओ क्या पूछ रहा है, एच सी एल का विद्युत अपघटन होने पर क्या प्राप्त होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, यस बी आंसर चला गया, क्या चला गया बच्चों, बी आंसर, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये होगा इसका, ठीक है सर। नेक्स्ट अगला, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन आपको दे रखी है बच्चों, Na प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बन गया, Na, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया, अपचयन, क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट अगला बताओ, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस का है, किसी विद्युत अपघटक का विलयन को गर्म करने पर इसकी चालकता, क्या बोल रहा है, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हीटिंग कंडक्टेंस, जैसे देखो ये नमक है, समझो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटक नमक, गर्म करोगे तो आयनों में टूटेगा, गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ा तो आयनों में टूटेगा, आयनों में टूटने पर क्या होगा, आयनों में टूटने पर इसकी चालकता कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, बिकॉज चालकता या आप कह सकते हो कंडक्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो क्या क्या है आपके पास, इसकी चालकता बढ़ती है क्योंकि वियोजन अधिक हुआ है, इंक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट, आयंस में डिसोशिएट हुआ है इसलिए चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला देखो बच्चों क्या बोल रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त हो, तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा कौन सा है, NaCl इन वाटर, चेक करो NaCl को तोड़ो, काय में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में, पानी को तोड़ो, काय में टूटेगा, H प्लस OH माइनस, तोड़कर एसी में बिठा दो, कैथोड पे कौन आएगा हमेशा, प्लस, एनोड पे कौन आएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड नहीं दिया हुआ है, सॉरी कौन सा, इलेक्ट्रोड नहीं दिया, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब प्लेटिनम और क्या हो सकता है, सोना हो सकता है। अगला, तो यहाँ प्लस वाला कौन आएगा, एच प्लस, माइनस वाला कौन आएगा, सी एल माइनस, दो ले लो, इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन गैस बनाएगा दो बार, और ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एच टू गैस। तो देखो कैथोड पर एच टू गैस है ना, कैथोड पर एच टू गैस,
और एनोड पर क्लोरीन गैस, तो किसके कारण आएगा? NaCl के कारण आएगा। इस पे भी करके देखना, कॉपर क्लोराइड CuCl2 तोड़ के देखना कौन आ रहा है। यहां पर कैथोड पर H की जगह H2 गैस की जगह कौन आएगा? Na आ जाएगा, सोडियम सॉरी कॉपर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना। नेक्स्ट आगे अगला, चलिए अगला क्या बोल रहा है बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, शुद्ध जल विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। क्यों? क्वथनांक कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट जी नहीं, पूर्णतया अनायनित है, उदासीन होता है, पानी तो टूटता है यार, H2O काय में टूटता है, आयंस में डिसोसिएट होता है, तो पूर्णतया तो आयनित नहीं है, तो गलत है। ये उदासीन होता है, ये सी क्या हो गया, सी ये करंट का फ्लो नहीं करता क्योंकि उदासीन होता है। इसके जो आयंस बनते हैं वो न्यूट्रल होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगला अगला, दो सवाल आ सकते हैं क्या? यस, दो सवाल आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, दो सवाल आ सकते हैं बच्चों। यस, देखो क्या बोल रहा है। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो गलित है उसमें विद्युत धारा का चालन, तो सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों? आयंस में डिसोसिएट होता है, तो करंट को फ्लो कौन कराएगा? कौन कराएगा करंट का फ्लो बताओ? तो आप कहोगे सर इसमें फ्री आयंस, इलेक्ट्रॉन नहीं करा सकते, मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होते, एटम ऑफ जी नहीं, फ्री आयंस। ठीक है, क्योंकि जो आयंस होते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड, वो आयंस से ही करंट दे सकता है। अगला क्या बोल रहा है, वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत की मात्रा, तो विद्युत का मात्रक कौन है बच्चों? कूलम्ब। तो देखो कहीं कूलम्बोमीटर लिखा हुआ है क्या? ये रहा कूलम्बोमीटर, ये सी आंसर इसका चला जाएगा बच्चों। ठीक है, किलोमीटर होता है बच्चों, किलोमीटर्स, क्या बोलते हैं इसको? किलोमीटर्स, गुलाम होता है ना उसी पर पड़ा किलोमीटर, क्योंकि यहां आपके पास आवेश का मात्रक कौन होगा? देखो विद्युत का मात्रक तो होता है एम्पियर, एम्पियर में नापी जाती है विद्युत को। ठीक है, करंट को विद्युत में नापा जाता है, लेकिन चार्ज को किससे नापते हैं? कूलम्ब में, तो कूलम्बोमीटर हो गया इसमें, या किलोमीटर हो गया इसमें। ठीक है, अगला अगला देखो बच्चों, डायरेक्ट याद करना है इसको भी। अगला देखिए बच्चों, डायरेक्ट याद करना है, क्या बोल रहा है आपको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक क्या हो गया? ग्राम पर कूलाम, डायरेक्ट क्या होगा? ग्राम पर कूलाम। ठीक है सर, नेक्स्ट अगला, दो क्वेश्चन ले लो एक साथ। यस, ऊपर वाला चला जाएगा, एक ही ले लो। देखो क्या बोल रहा है, इफ द करंट इज पार्ट इनटू सॉल्यूशन, कुल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन है। देखो मैंने आपको बताया था एबी एक इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट्य, इधर लगा हुआ एनोड और इधर लगा हुआ कैथोड। मैंने कहा था सेल पढ़ो तो लोन ले लो, सेल पढ़ो तो क्या ले लो? लोन। तो एनोड नेगेटिव था, पर इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत अपघटन में एनोड पॉजिटिव हो गया, तो समझो ये एनोड है पॉजिटिव और ये कैथोड है नेगेटिव। ठीक है, ए प्लस और बी माइनस, तो बताओ धनायन किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा, तो ए प्लस यहां इकट्ठा हो गया ए प्लस, और ये यहां इकट्ठा हो गया बी माइनस। यस सर, बी माइनस यहां इकट्ठा हो गया, तो क्या कह रहा है बताओ? देखे धनायन तो जाएगा किस तरफ? बोलो, यहां एनोड नेगेटिव था सेल में, यहां एनोड पॉजिटिव होगा, और कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो एनायन कहां जाएगा? ऋणायन, ऋणायन जाएगा एनोड पर। देखो चेक करो, ऋणायन कहां लिखा हुआ है? ऋणायन जाएगा एनोड पर, ऋणायन कहां जाएगा? एनोड पर, और धनायन जाएगा कैथोड पर। एनायन जाएगा एनोड पर, यस, ए ए एनायन का है, एनोड का है, और केटायन जाएगा कैथोड पर। यस, आंसर ए सही चला गया। कौन सा सही चला गया? जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन, मैंने जो डेफिनेशन लिखाई थी वही क्वेश्चन है बच्चों। अगला अगला देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको यूनिट ऑफ फेराडे, फेराडे की यूनिट क्या बच्चों? सी, सीधा याद कर लो, कूलम पर मोल, फेराडे की इकाई क्या है? कूलम पर मोल। अगला क्या बोल रहा है, व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देन द मास डिपॉजिट इज इक्विवेलेंस टू, ये कह रहा है कि अगर किसी सेल में
एक फेराडे का आवेश डालोगे, तो एक फेराडे का आवेश डालोगे तो यहां पर जो चार्ज इकट्ठा होगा वो किसके हिसाब से होगा? तो फेराडे का सेकंड लॉ याद करो क्या था, W प्रोपोर्शनल टू E डिपॉजिट मास, तुल्यांक की भार के समानुपाती हो। तो तुल्यांक की भार मतलब इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों आंसर चला गया ए, क्या आंसर चला गया आपका, ए आंसर चला गया, यस तुल्यांक की भार, ये लिखा पड़ा क्या बच्चों, तुल्यांक की भार के समानुपाती होता है, ये सेकंड लॉ ऑफ फेराडे है। क्या है? सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। नेक्स्ट आगे चलो, अगला देखो बच्चों क्या बोल रहा है। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन, किसी विद्युत अपघटनी विलयन की तुल्यांक की चालकता तन्नुता के साथ क्यों बढ़ती है? क्या बोल रहा है आपको? कोई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है लेमडा ई, लेमडा ई इंक्रीज होती है कैसे? जब तुम उसको तन्नुता डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करोगे। तो यार एक बात सीधी बात है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट है, जब उसमें पानी डालोगे तो वो आयनों में टूटेगा, आयनों में टूटेगा तो क्या होगी, चालकता बढ़ेगी। चेक करो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन विद्युत अपघट्य के वियोजन से, यस। तो जैसे ही तुम लोग उसमें क्या करोगे, जैसे ही तुम नमक है, नमक NaCl, मानो NaCl में तुमने पानी डाला तो वो आयनों में टूटा, आयनों में टूटा तो आयन ज्यादा मिलेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी ना, सीधी बात। तो जब भी तुम डाइल्यूट करोगे उसको, डाइल्यूशन करोगे, तनु करोगे, तो तनु करने पर क्या बढ़ जाता है, उसमें वियोजन बढ़ जाता है, डिसोसिएशन बढ़ जाता है या आयनाइजेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या बढ़ता है, जिसके कारण उसमें चालकता बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ता है, यस सर। नेक्स्ट अगला अगला देखो, 2 क्वेश्चन एक साथ क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा विद्युत का प्रवाह करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन कर सकता है इसमें? जो आयनों में टूटता है तो क्या होगा आपके पास, फ्यूज्ड NaCl, NaCl कर सकता है, CO2 ब्रोमीन सिलिकन ये नहीं कर सकते, यही कर सकता है कंडक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, निम्न में से कौन सा विद्युतीय चालन प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो कौन सा प्रदर्शित करता है बच्चों, चेक करो। देखो डायमंड से चालकता प्रदर्शित नहीं होगी, ग्रेफाइट कर देगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब खाली पोटेशियम दे दिया, खाली सोडियम दे दिया, तो बच्चों सोडियम और पोटेशियम के साल्ट तो कर देंगे, पर ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, तो ग्रेफाइट करेगा और वजह क्या है उसकी, बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला अगला देखो, तुल्यांक की चालकता, मेन क्लास में बच्चे उसको पढ़ाया था, तुल्यांक की चालकता होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये वाला मात्रक चेक करो, हिंदी में ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, चेक करो ऐसा कहाँ है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, कौन सा आंसर चला गया बच्चों, बी आंसर इसका सही चला गया। ठीक है सर, नेक्स्ट अगला चेक करो क्या बोल रहा है। ये सी ए जो आपके पास HCl है, ये आपका वेट कंडक्टर है, जबकि जल में डालने पर, वाटर में डिजोल्व करने पर अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि देखो गैस क्या है बच्चों, नॉन कंडक्टर है, लेकिन लिक्विड में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, सी आंसर चला जाएगा, मतलब गैस की अवस्था में आयनों में टूटेगा नहीं और लिक्विड अवस्था में आयनों में डिसोशिएट हो जाएगा और आयनों में डिसोशिएट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट उसके बाद क्या कह रहा, चेक करो। विद्युत अपघटनी चालक धात्विक चालकों से चालन में बहुत भिन्नता रखते हैं, मीन्स एक तो आपके पास कौन से है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर, ये एक कौन सा है, मेटेलिक कंडक्टर, ये इसमें करंट बहती है किससे, इलेक्ट्रॉन से, और इसमें करंट बहता है किससे, आयन से, बहता है आयन से। तो क्या होगा, अगर तुम मेटेलिक कंडक्टर में आयन्स बहते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, सॉरी इसमें आयन्स से होता है बच्चों, इसमें आयन्स से लाइट बहती है और मेटेलिक में किससे बहती है, इलेक्ट्रॉन से, मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ही चलेंगे। तो जब किसका, विद्युत अपघटनी चालकों का, मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का, जब तुम क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट
विद्युत अपघटक टूटेगा, क्या होगा बच्चों, विद्युत अपघटक टूटेगा, यस सर, विद्युत अपघटक टूटेगा तो आयंस ज्यादा मिलेंगे, आयंस ज्यादा मिलेंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा जिससे कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घटेगा कंडक्टेंस बढ़ेगा। देखो कहीं लिखा हुआ है क्या, क्या ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ने के साथ विद्युत अपघटनी चालक धात्विक चालकों में बहुत भिन्नता रखते हैं, इसकी बात कर रहा है, तो इसमें प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है बच्चों, ये देखो ये बी बी, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये देखो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होगा कम होगा जिससे कंडक्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा, क्लियर सबको, ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे आगे चलिए, अगला बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, चेक करो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो कंडक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटक विद्युत का चालन नहीं करता, नहीं करते ना बच्चों, इसमें यहां देखो नॉट लिखा हुआ है, ये नॉट लिखा हुआ है, ठीक है नहीं करता, तो देखो कॉपर सल्फेट करेगा, कॉमन साल्ट भी देखो या आयनों में डिसोशिएट होता है, Cu प्लस टू SO4 माइनस टू, ये कॉमन साल्ट जिसे नमक NaCl, तो आयनों में टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, करेगा कंडक्ट, करेगा कंडक्ट, करंट बहेगा, लेकिन सुगर में से कोई करंट नहीं बहती क्योंकि वो आयनों में डिसोशिएट नहीं होता, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज, प्रबल विद्युत अपघटक वो होते हैं जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू द आयंस, यस, जैसे ही तुम उसको डाइल्यूट करोगे, जैसे ही पानी में डालोगे पूरे आयनों में टूट जाएगा, और पूरे आयनों में टूट गया 100%, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है सर नेक्स्ट अगला क्या बोल रहे हैं, इन एक्वा सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जलीय विलयन में सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, क्या हो जाता है लगभग पूर्णतः आयनित हो जाता है, आयोनिक ऑलमोस्ट कंप्लीटली, पूरा आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है सेम क्वेश्चन थे दोनों, अगला ये दो क्वेश्चन ले लो, ये लो क्या बोल रहा है, देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, विलयन का वियोजन की मात्रा डिपेंड करती है, देखो बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर करेगी और टेम्परेचर भी करेगी, कैसे, अगर मैं कहता हूं आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसका टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो उसका आयनीकरण बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन, आयनीकरण, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, और आयनाइजेशन बढ़ा तो क्या होगा आपके पास, बोलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयनीकरण बढ़ गया तो जल्दी टूटेगा, ऐसे ही देखो अगला क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस ज्यादा मिलेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस कम मिलेंगे, तो आयनाइजेशन क्या होगा ज्यादा होगा और वीक में कम होगा, तो आप कहोगे सर आंसर ए भी जा सकता है, आंसर बी भी जा सकता है, पर ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब विद्युत अपघटनीय चालन में तो बढ़ेगा पर मेटलिक में घटेगा, धात्विक में घटेगा, इसलिए आप सीधा सीधा आंसर क्या दे दो, इसका बी दे दो, क्योंकि हमेशा नेचर पर डिपेंड करेगा। अगला क्या बोल रहा है, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से, तो नमक का जो जलीय विलयन है, नमक का जलीय विलयन NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, उसमें करंट आने की वजह क्या है बच्चों, NaCl में फ्री आयंस होते हैं, देखो कहां है फ्री आयंस होते हैं, बी आंसर चला गया, क्या चला गया बी आंसर चला गया बच्चों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला बताओ, पढ़ा हुआ है सबका फेराडे का प्रथम नियम, तो W बराबर जिट, जो मैंने मॉडर्न टेक्निक बताया था न्यूमेरिकल होता है इट अपॉन 96,500 से, याद आया कुछ आपको, यस सर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, करो देखे कौन करेगा, अगला क्या बोल रहा है, 5 एम्पियर का करंट जिंक सल्फेट का 40 मिनट तक आपको फ्लो कराना है तो डिपॉजिट कैथोड पर कितना इकट्ठा होगा, 5 एम्पियर की धारा ZnSO4 के विलयन में 40 मिनट तक प्रवाहित थी तो कैथोड पर कितना जमा होगा, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ हो गया, फेराडे का फर्स्ट लॉ है W बराबर इट बट्टा 96,500। अब देखो मैंने क्लास नोट्स में तुम्हें जिंक के बारे में कहा था, इसका इक्विवेलेंस मास कितना होगा 65.3 का आधा इंटू आई कितना है 5 एम्पियर, टाइम कितना है 40 मिनट, इंटू बदलो उसको सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लाई, हमेशा फेराडे लॉ में टाइम सेकंड में रखना है, और ये हो गया 96,500। बच्चों इसको सोल्व करना, आंसर क्या आ जाएगा,
बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है, आगे बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, क्या बोल रहा है, MgCl2 के विलयन में एक ग्राम बनाना है तो कितने की रिक्वायरमेंट है। तो देखो MgCl2 है, MgCl2 से बन रहा है Mg+2, ठीक है सर। तो मैग्नीशियम का भार कितना हो गया 24, तो देखो 24 ग्राम से कितना मिल रहा है, 24 ग्राम से कितना आ रहा है, 2 फेराडे, कितना आ रहा है 2 फेराडे। तो MgCl2 के विलयन में 1 ग्राम Mg प्राप्त करने के लिए कितने फेराडे की आवश्यकता होगी, तो देखो कितने फेराडे की आवश्यकता होगी, 1 ग्राम आपको बनाना है, तो 24 आपके पास ग्राम है, 24 ग्राम से आ रहा है 2 फेराडे, तो 1 ग्राम से कितना आएगा, 2/24 हो गया बच्चों, तो कितना हो जाएगा लगभग 1/12, कितना होगा 1/12। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हाउ मेनी फेराडेज आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल हो गया बच्चों। देखो यहां ये पूरा लिखा हुआ है, देखो यहां गलत है, 1 ग्राम एटम इसका मतलब है 1 ग्राम परमाणु मैग्नीशियम, और 1 ग्राम परमाणु का मतलब 1 मोल हो गया बच्चों। तो यहां थोड़ा देखो ध्यान से करो इसको, ये इसको करना 1 ग्राम परमाणु, क्या करोगे 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है 1 मोल, कितना मोल 1 मोल, तो 1 मोल एमजी से कितने 2 चार्ज है, एमजी पे चार्ज कितना होता है Mg+2, तो 2 फेराडे चाहिए, इसका आंसर जाएगा बी, क्या जाएगा इसका आंसर बी जाएगा। अगला, 1 फेराडे का मान कितना होता है 6500 C, कितना होगा 6500 होगा, यस सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, दोनों ही क्वेश्चन इजी है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक करंट इज, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक कौन है, सी होता है एम्पियर, करंट का आई का बोल रहा है, विद्युत धारा का मात्रक कौन है एम्पियर, तुल्यांक की चालकता का मात्रक ये भी आज की क्लास में पढ़ा है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, कौन सा चला गया, बी आंसर चला गया। और अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, तीसवा, मोलर चालकता का मात्रक क्या है, तो क्या होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सी आंसर इसका चला जाएगा, कौन सा चला जाएगा, सी आंसर इसका चला जाएगा, ठीक है बच्चों। बोलो तो आज की क्लास को करते हैं बच्चों एंड, और ये आपके 30 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इसके थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।